जब बात शराब पीने की हो तो भला मुंबई क्यों पीछे रहे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ सुनने को मिला है। मुंबई में शराब की बिक्री में वृद्धि हुई है। मीरा भाईंदर, भांडुप समेत मुंबई के उपनगरों में बियर बिक्री में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। शराब पीने और पिलाने के मामले में उपनगर के लोगों ने शहर को भी पीछे छोड़ दिया है। तभी तो इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान शहर के लोगों ने 138.5 लाख बल्क लीटर और उपनगरों में 345.23 लाख बल्क लीटर शराब को गटक लिया। शराब के साथ ही बियर के मामले में भी उपनगरों ने शहर को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच शहर में जहां 104.55 लाख बल्क लीटर बियर की खपत हुई, तो वहीं उपनगरों में 314.90 लाख बल्क लीटर बियर बेची गई है। इस साल ठाणे रीजन के लोगों ने 978 लीटर बियर और 558.78 लाख बल्क लीटर विदेशी शराब पी ली। एक्साइज डिपार्टमेंट के अनुसार बियर और शराब को लेकर लोगों की पसंद बदलने लगी है। अब हर कोई ब्रांडेड शराब पीना चाहता है। मुंबई और ठाणे रीजन में पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर की तुलना में इस साल कंट्री लीकर की बिक्री में मामूली इजाफा हुआ है। मुंबई समेत ठाणे रीजन में शराब की बिक्री बढ़ने से सरकार को होने वाली कमाई में भी 138.38 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। पिछले साल के 6 महीने में शराब के बियर की बिक्री से सरकार को जहां 1,719.16 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था, वहीं वर्ष 2023 के पहले 6 महीने में ही सरकार की कमाई बढ़कर 1,857.74 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। खैर, शराब की बढ़ती बिक्री को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।